हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। वॉशिंग मशीन का एक और वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का आसान तरीका आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सभी को आता है, बट किस नए तरीके से मैं आज वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वाली हूँ वो तरीका आपको बहुत ज़्यादा बेहद पसंद आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की इंटेक्स की वॉशिंग मशीन, और ये मशीन 6 से 7 साल पुरानी है। और इस मशीन में मैं पानी जो है ना, ये वाटर का जो नली आता है, इसमें सक्शन होता है वाटर का, उसी नली के थ्रू मैं पानी यहाँ पर भर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट बाल्टी से भी पानी इसमें डाल सकते हैं। तो पानी का जो क्वांटिटी है वो हमें कपड़ों के अकॉर्डिंग लेना है कि कपड़े हम कितनी क्वांटिटी में वॉशिंग मशीन में यूज़ करने वाले हैं। तो अप्रॉक्स पानी हमें यहाँ तक, जो इसका ये दिख रहा है ना वाटर मार्क, यहाँ तक हमें पानी को फिल कर लेना है। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। वॉशिंग मशीन का प्लग जो है ना, यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है और मशीन को अभी मैंने ऑन नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है डिटर्जेंट पाउडर। किसी भी ब्रांड का डिटर्जेंट पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉटल में फिल करके रखती हूँ, और एक अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें जो है ना वॉशिंग पाउडर यूज़ कर लेना है। कम से कम 2 मुट्ठी तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में वॉशिंग पाउडर जो है ना वो डाल दिया है, और उसके बाद अब हम मशीन को ऑन करने वाले हैं। ऑन करने के बाद इस वाले सेक्शन में आके हमने 15 मिनट का टाइमर जो है ना यहाँ पर सेट कर दिया है। 15 मिनट जब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें एक बीप आती है, तो 15 मिनट के टाइमर के साथ मैंने इसे सेट किया है। आप चाहे तो 5 या 10 मिनट का भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, साबुन जो है ना वो बहुत ही अच्छे से घुल गया है। 1-2 राउंड जब भी हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें कपड़े डालने स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है ना इक्वल तरीके से साबुन वगैरह इसमें अच्छे से घुल जाए। सबसे पहले जो है ना हम वही कपड़े डालेंगे जो कि हमारे लाइट कलर के कपड़े हों, जिन कपड़ों से कलर जो है ना वो ना निकलता हो। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों के कपड़े सबसे पहले डाल दीजिए, क्योंकि बच्चों का जो है ना थोड़ा हाइजीन मेंटेन के लिए ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में कपड़े डाल दे रही हूँ, और लाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लाइट कलर के कपड़े का इस्तेमाल पहले कर सकते हैं, नए कपड़ों का इस्तेमाल पहले कर सकते हैं, जैसे व्हाइट है या फिर ऑफिस वगैरह के कपड़े हैं, उन कपड़ों को आप पहले यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो कपड़ों की क्वांटिटी अच्छी खासी ले सकते हैं, मतलब 10 से 12 कपड़े जो है ना, हम छोटे बच्चे के 10 से 12 कपड़े हम अच्छे से डाल सकते हैं। और देखते हैं कि इसमें कपड़े जो है ना प्रॉपर तरीके से अच्छे से साफ होते हैं या नहीं होते हैं। देख सकते हैं कपड़े जो है ना काफी ज्यादा गंदे हैं, और व्हाइट और लाइट कलर के कपड़े हैं इसमें। तो पानी जो है ना गंदा होने लगा है, इसका मतलब है जो कपड़ों से गंदगी है वो निकल रही है और कपड़े अच्छे से साफ हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और सेक्शन होता है, ये जो है ना, ये है नॉर्मल है, ड्रेन है, जेंटल है। तो हमेशा मैं नॉर्मल पे ही करके रखती हूँ। अगर आप जेंटल पे करेंगे तो भी अच्छा रिस्पांस करता है, बट मोस्टली मेरे कपड़े जो है ना वो नॉर्मल पे ही होते हैं। ड्रेन पे आपको बिल्कुल नहीं करना है, अगर ड्रेन पे करेंगे तो सारा पानी जो है ना वो ड्रेन हो जाएगा। 15 मिनट का टाइमर जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, कपड़े जो है ना काफी अच्छे तरीके से साफ हो चुके होंगे, क्योंकि काफी गंदा पानी इसमें देखने को मिल रहा है। तो 15 मिनट का एक बार टाइमर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपके कपड़े ज्यादा गंदे तो आप अगेन 15 मिनट का टाइमर जो है ना वो सेट कर सकते हैं। वैसे 15 मिनट का टाइमर जो है ना वो सफिशियंट होता है डेली बेसिस पे कपड़ों को धोने के लिए। तो जैसे ही 15 मिनट कम्प्लीट होंगे, यहाँ पर एक आवाज आएगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा टाइमर जो है ना वो कम्प्लीट हो चुका है। फिर देखते हैं उसके बाद कपड़े जो है ना कितने साफ हुए हैं, कितने गंदे हैं, क्या हमें ब्रश लगाने की जरूरत है या फिर हमें एक्स्ट्रा हाथ से रगड़ने की जरूरत है, क्या कुछ है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, आवाज जो है ना आ चुकी है। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे बंद कर देंगे, और कपड़े देखते हैं किस तरीके से हैं। इसमें करंट वगैरह का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम प्लग हटाएं या फिर मशीन को ऑफ करें। इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब चलती हुई मशीन में ही आप अगर हाथ डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कपड़े देखिए जो है ना, ये काफी ज्यादा गंदे थे बच्चे के कपड़े, और ये प्रॉपर तरीके से साफ है। इसमें कुछ भी हमें हाथ या ब्रश लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी ज्यादा गंदे कपड़े थे बट साफ निकल रहे हैं। बाकी और भी मैं देखती हूँ। और ये देख सकते हैं, ये हैंकी वगैरह जो है ना, ये भी एकदम अच्छे से साफ है। इसमें भी कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सभी कपड़ों को इस तरीके से हाथ से निकालते हुए
हाथ से इस तरीके से निचोड़ते हुए हल्का सा ही निचोड़ेंगे, और उसके बाद जो है ना ये जो ड्रेनिंग का वाला प्रोसेस है जहाँ पर हम ड्रेन करते हैं कपड़ों को, उसमें हम इस तरीके से सारे कपड़ों को डाल देंगे। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़ों को हमें किस तरीके से साफ करना है ताकि बिल्कुल भी साबुन वगैरह ना रहे, बिल्कुल भी गंदगी वगैरह ना रहे इसमें। सभी इससे निकाले हुए सारे कपड़े जो है ना मैंने इसमें ड्रेनिंग के लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो कपड़ों को यहाँ से भी धुल सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो हम नली अटैच करते हैं उसके थ्रू यहाँ पर पानी आता है जिस पानी से हम कपड़े धुलते हैं। मोस्टली लोगों का कपड़े धुलने का प्रोसेस जो है ना वो यही होता है कि वो यहाँ से निकलते हुए पानी में कपड़े धुलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसमें पानी का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है जिसकी वजह से कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं। तो कपड़ों को और इसका जो ऊपर से प्लेट है ये कवर कर देंगे ताकि कपड़े उछले नहीं, और कपड़ों को इस तरीके से हम बंद करते हुए इसका सभी साबुन वगैरह जो है ना वो हम ड्रेन कर देंगे, साबुन वगैरह ड्रेन कर देंगे जिससे कि पानी की बचत होगी, समय की बचत होगी, कपड़े जो है ना साबुन वगैरह अच्छे से इसमें निकल जाएगा, निचोड़ जाएंगे, उसके बाद जो है ना हम प्रॉपर तरीके से कपड़े धुलने वाले हैं। आगे का प्रोसेस आपको मैं इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। कपड़ों से साबुन और पानी जो है ना वो अच्छे से निकल जा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, इसका जो सेक्शन है इसमें अभी सफिशियंट पानी और साबुन अभी प्रॉपर तरीके से बाकी है, तो बाकी बचे हुए कपड़े जो है ना हम इसमें और डाल देंगे जो कि हमारे डेली बेसिस के और डार्क कलर के कपड़े हैं, मतलब हमें साबुन वगैरह और पानी वगैरह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और इसमें अभी अच्छे से कपड़े साफ हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है ना कपड़े फिर से डाल दे रही हूँ, और ये कपड़े अच्छे से साफ हो जाएंगे और हमारा साबुन वगैरह जो है ना वो खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इतने ज़्यादा कपड़े डाल दिए, कम से कम 10 से 12 कपड़े मैंने इसमें अगेन डाल दिए हैं, और मशीन जो है ना प्रॉपर तरीके से फिर से वॉक करने लगी है। इसके बाद सेकंड टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कपड़े अच्छे से साफ हुए हैं या नहीं हुए हैं, तब तक यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोसेस हो रहा है। स्पिन टाइमर का टाइम जो है ना कम्प्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े जो है ना इससे साबुन वगैरह बिल्कुल निकल चुका है, बिल्कुल भी साबुन इसमें नहीं बचा है, और ये कपड़े जो है ना अच्छे तरीके से इससे पानी भी निकल गया है। अब इन कपड़ों को जो है ना हम इस ड्रेनर वाले बॉक्स से निकाल कर, अब जो प्रॉपर तरीके से हम कपड़े धुलते हैं ना बाल्टी में और पानी भर के अच्छे से हाथ से बसलते हुए कपड़े जो हम धुलते हैं फलोते हैं, इन कपड़ों को मैं उसी तरीके से फलोने वाली हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी साबुन वगैरह ना रहे, क्योंकि इस तरीके से कपड़े पहनने से जो है ना बॉडी में रैसेस वगैरह आने के चांसेस रहते हैं और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, जैसे कि खुजली वगैरह भी हो सकती है। तो कपड़ों को मैं हमेशा ही बाल्टी में फलोते हुए धुलती हूँ जिससे कि इसका साबुन वगैरह बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाए। तो चलिए बाथरूम में ले जाके इनको धुल लेते हैं। पानी में फलोए हुए कपड़ों को अच्छे से साफ करने के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट जो है ना धूप में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप कपड़ों को ड्रायर में भी डाल सकते हैं, मतलब ड्रायर में भी डाल सकते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से धूप आती है तो ड्रायर में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट धूप में डाल दीजिए, और ड्रायर में भी डालें तब भी धूप दिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसलिए, ताकि मॉइस्चराइज़र वगैरह पूरा कम्प्लीट तरीके से अच्छे से साफ हो जाए, सूख जाए कपड़े। तो वीडियो अगर पसंद आया हो और वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।